हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सबने ये सब नाम सुने होंगे बालों के बारे में, कि जैसे स्मूथनिंग है, रिबाउंडिंग है, कैरेटिन है, स्ट्रेटनिंग है और हाइलाइटिंग है। तो ये आपने नाम सुने होंगे और इसमें क्या क्या अंतर है, तो आज मैं आप इस वीडियो में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि इन चारों में क्या फ़र्क है। तो गाइस, सबसे पहले मैं सॉफ्ट वॉश का जो है ग्लैट लूँगी और इसी से आप स्मूथनिंग भी कर सकते हो, रिबाउंडिंग भी कर सकते हो और स्ट्रेटनिंग भी कर सकते हो। तो ये लेंगे और ये मैंने जो है इसमें दो पाउच होते हैं, एक रेड कलर का जैसे आपको दिख रहा है और एक ऑरेंज। तो आज आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो रेड वाला है वो 0 नंबर उसमें लिखा रहता है और जो ऑरेंज वाला है उसमें N लिखा रहता है, यानी वो न्यूट्रलाइजर है। अब आपको जिसके भी क्लाइंट्स के करने हैं, और आपने जैसे स्टार्टिंग में देखा इनके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली थे, तो ये कर्ली बालों वालों के लिए ही होता है। तो क्या करेंगे कि जिनके भी बाल में करना है उनको पहले अच्छे से शैम्पू करा देंगे और उनके जो है कलर, डाई या मेहंदी 1 महीने पहले नहीं लगी होनी चाहिए और उसके बाद बाल बिल्कुल साफ होने चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, कोई भी कंडीशनर यूज़ नहीं करेंगे जब ये सब ट्रीटमेंट करेंगे, और उसके बाद ये जो है आयनिंग करेंगे यानी कि स्ट्रेटनिंग करेंगे। ये हम इलेक्ट्रिक मशीन जो आती है जिससे बालों को स्ट्रेट करते हैं, तो पहले पतली पतली लेयर लेकर के बालों को स्ट्रेट कर लेंगे। ये मैंने फिलिप्स की एरा ली है और उससे मैं स्ट्रेट कर रही हूँ। यहाँ मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि अगर आप स्मूथनिंग भी कर रहे हो या स्ट्रेटनिंग कर रहे हो या रिबाउंडिंग कर रहे हो, जो भी आप नाम कह सकते हो, उसमें बालों को अच्छे से स्ट्रेट करेंगे। जिनके बाल कर्ली होते हैं उन्हीं को अपना बालों को स्ट्रेट कराना होता है। उसके बाद ये मैं ग्लैट का लूँगी 0 नंबर। इससे जो है क्या करेंगे, एक एक पतली पतली लेयर लेंगे और अच्छे से लगाएंगे। जैसे क्रीम, क्रीम में कंजूसी आप गाइस बिल्कुल ना करिएगा, कंघी लेते लेते आप इसको अच्छे से करिएगा और खूब पूरे बालों में इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा रूट्स को छोड़ देंगे, जड़ों में नहीं लगाएंगे, और थोड़ा सा छोड़ करके बस नीचे से इस तरह से लगाएंगे और पूरे बालों में खूब बढ़िया से लगा देंगे। और कंजूसी बिल्कुल भी क्रीम की ना करिएगा, क्योंकि अगर आपने क्रीम में कंजूसी की तो होगा नहीं, क्योंकि एक एक बाल में अच्छे से होनी चाहिए। और पतली पतली लेयर लेंगे, पहले अच्छे से कंघी से सुलझा लेंगे और उसके बाद ये क्रीम लगाएंगे। और जो आप नीचे देख रहे हो ये मैंने फॉइल पेपर लगाया है, आप चाहो तो ये लगाओ, आप चाहो तो इसको ना लगाओ। तो साथ ही साथ मैंने आज जो आपको जो दो वीडियो दिखा रही हूँ, दो लोगों का हुआ है, एक का मैंने रिबाउंडिंग आपको दिखा रही हूँ और एक की मैं स्ट्रेटनिंग दिखा रही हूँ। एक का मतलब स्ट्रेट कर रहा था मैंने और एक के बाल मैंने स्मूथनिंग की थी। ठीक है, स्मूथनिंग क्या है अब आप पूछोगे। स्मूथनिंग होता है कि जैसे किसी के बाल थोड़े से रफ से हो जाते हैं उनको कराने के लिए वो स्मूथनिंग कराते हैं। स्ट्रेटनिंग कहते हैं कि जिनके बाल कर्ली होते हैं उनको अपने बाल बिल्कुल स्ट्रेट कराने होते हैं, उसको स्ट्रेटनिंग कहते हैं। ठीक है, और जो कैरेटिन ट्रीटमेंट होता है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो गाइस, कैरेटिन ट्रीटमेंट होता है जो कलर किए हुए बाल होते हैं तो उनमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको कैरेटिन ट्रीटमेंट कहते हैं। तो उनमें भी अच्छे से बाल, जैसे बाल खराब हो जाते हैं उन कलर करके या आप स्ट्रेट करके, तो उनमें जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं उसको कैरेटिन ट्रीटमेंट कहते हैं। और हाइलाइटिंग, हाइलाइटिंग उसको कहते हैं जो बालों में बीच बीच में हाइलाइट किया जाता है। तो मेरी समझ से आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पांचों चीज़ें, कि स्मूथनिंग, रिबाउंडिंग, कैरेटिन और स्ट्रेटनिंग, हाइलाइटिंग में क्या फ़र्क है। तो जो गाइज ये वाला जो ग्लैट का लिया गया है, इससे आप स्मूथनिंग, रिबाउंडिंग और स्ट्रेटनिंग आप तीनों कर सकते हो। तो बस थोड़ा सा तरीका अलग होता है कि जैसे स्ट्रेटिंग में जो है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और बहुत ही पतली पतली लेयर ली जाएंगी गाइस, बहुत ही ज़्यादा पतली लेयर लेकर आप इनको करोगे। और जो स्मूथनिंग होती है उसमें आप थोड़ा मोटी मोटी बाल लोगे बहुत हल्के से, और उसमें टाइम जो है थोड़ा कम लगेगा और स्ट्रेट में ज़्यादा लगेगा। बस ये फ़र्क है, अब आप समझ जाना। अगर आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट्स आता है कि स्मूथनिंग करानी है, रिबाउंडिंग करानी है, स्ट्रेटनिंग करानी है और कैरेटिन कराना है, तो ये आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएंगी। अब हम बहुत लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि मैम क्या फ़र्क है। तो मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ कि कोई खास फर्क नहीं है, समझ गया ना। और ये मैंने ग्लैट का यूज़ किया है, सॉफ्ट क्रस का, और आप कोई भी और ब्रांड का ले सकते हो, जैसे लॉरियल का ले सकते हो या आप और भी जो ब्रांड आते हैं उनके ले सकते हो। तो इसमें आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना रखिएगा। और जैसे कि इसमें भी जिस भी ब्रांड का आप लोगे ना, उसमें दो चीज़ें होंगी, एक वही रेड वाला होगा, एक ऑरेंज 0 नंबर, और एक न्यूट्रलाइजर। न्यूट्रलाइजर आपकी जो आप ये ट्रीटमेंट करोगे उसको परमानेंट
करता है, क्योंकि अगर हम जब से ये कर देते हैं उसके बाद परमानेंट भी तो करना होगा, अभी बाल आपके स्ट्रेट हो जाएंगे। और गाइज इसको जो है लगा करके 25-30 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद बाउंडिंग देखनी होगी कि अगर बाल की बाउंडिंग टूट गई है तो बालों को नॉर्मल वाटर से धोना होगा। अगर बहुत ज़्यादा जैसे ठंड का मौसम आ जाए तो हल्का गुनगुना पानी ले लेंगे, लेकिन नॉर्मल वाटर से बालों को क्लीन करना होगा, गुनगुने पानी से भी नहीं करना होगा। और क्लाइंट्स को सावधानी ये रखनी होगी, जिसके भी आप करेंगे उनको आपको ये बताना होगा कि बालों को उतने दिन वो बांधेंगे नहीं, 8 दिन, और बालों में जो है शैम्पू नहीं करेंगे, यानी कि शैम्पू नहीं करना होगा उतने दिन, बस इतना उनको ध्यान में रखना होगा। और बालों में क्लचर, बैंड ये सब नहीं लगाना होगा। ये देखिए इनका हो गया है, अब मैंने जो है फॉइल पेपर से इसको कवर कर दिया। आप फॉइल पेपर ज़रूरी नहीं है आप लगाओ, और उसके आधे घंटे के बाद अब मैं इनके बालों को क्लीन करूँगी, 25-30 मिनट, आधा घंटा, ऐसे आप देख लेना। जिसके बालों में जैसे ज़्यादा कर ली हैं तो आधा घंटा आप ले लेना, नहीं तो 20-25 मिनट में, इससे ज़्यादा नहीं रखना होगा। नॉर्मल वाटर से मैं इनका क्लीन कर रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल पानी से अच्छे से क्लीन करेंगे, बिल्कुल जो लोशन लगाया है वो बिल्कुल निकल जाए। और जिन क्लाइंट्स के किया है उनको ज़्यादा जो है जब लोशन लगता है ना तब उनको इधर मतलब बालों को ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है और सीधे बैठना है, ये कह सकते हैं। अब इसको बिल्कुल नॉर्मल टॉवल से ही मैं इसको क्लीन मतलब पुछवा रही हूँ, ड्राई करवा रही हूँ। उसके बाद आप ये देखो हो गया है। अब मैं जो ड्रायर का दो होते हैं, ड्रायर में एक हॉट एयर निकलती है, एक कूल वाले से बालों को थोड़ा सा सुखा लेंगे। आप देख सकते हो कितनी अच्छी से हो गई है। अब क्या किया जाएगा कि अब फिर से स्ट्रेटनिंग मशीन से स्ट्रेट किए जाएंगे। इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे से करेंगे, क्योंकि जो इस बार बाल जिस तरह से निकल करके आएंगे वही समझिए बाल उस तरह से स्ट्रेट हो जाएंगे। अब इसके बाद वही मशीन से लेके स्ट्रेटनिंग मशीन से अब ये मैं ऑरेंज वाला लोशन लगाऊंगी, ये जो आपका दिख रहा है एन वाला वो लगेगा। तो पहले आपने प्रोसेस देखा, पहले मैंने बालों को अच्छे से शैम्पू किया था, खैर ये मेरी क्लाइंट शैम्पू कराई थी, अगर नहीं करके आती तो मैं शैम्पू करती। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है बालों को स्ट्रेट किया गया मशीन से, और हाँ जो शैम्पू करने के बाद कोई भी कंडीशनर कोई भी लोशन नहीं लगाना है, सिर्फ शैम्पू करे बालों को स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करने के बाद वो मैंने लोशन लगाया था रेड वाला 0 नंबर, 0 नंबर लगाने के बाद क्लाइंट्स को 20-25 या आधे घंटे तक बैठाने के बाद अच्छे से बालों को क्लीन कर दिया था। उसके बाद बालों को धीरे धीरे सुखाया और उसके बाद फिर स्ट्रेट किया। अब जो है जो बिल्कुल बालों को स्ट्रेट करने के बाद अब ये न्यूट्रलाइज़र लिया जाएगा, ये है एन क्लैट का ही, और इसको अब मैं, और हाँ गैस आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जितना आपको यूज़ करना है आप उतना ही निकालो, और ये ना आप मंगा करके आप घर पर भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हो, यानी कि अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और या फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हो। तो इसमें भी करने के लिए बिल्कुल पतली पतली सी लेयर लेंगे और सेम उसी तरह से लगाएंगे और कंघी से सीधी करते चले जाएंगे। और बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल रूट्स में नहीं लगाना है, बिल्कुल जड़ों में नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा दूर करके, यानी कि थोड़ा सा दूर करेंगे, बिल्कुल जड़ों में ना लगे। जड़ों में लगने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं और बाल टूटने लगते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है। और फिर सारे बालों में लगा देंगे। अब आप देख रहे हो कि मैं किस तरह से जड़ों से थोड़ा सा दूर करके लगा रही हूँ और कंघी करती जा रही हूँ इस तरह से लगा लगा करके, और बहुत आसान है, इसकी आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, आज आपको क्लियर हो गया होगा कि इन सब में क्या फ़र्क है गाइज। और हाँ जो हाइलाइटिंग होती है, हाइलाइटिंग जो है बालों में जो बीच बीच में हाइलाइट करते हैं, उसका भी मेरे काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं, आप कहोगे तो और डाल दूंगी। अब ये इसको लगाने के बाद भी 25 मिनट तक छोड़ देंगे, 20-25 आधा घंटा उसी हिसाब से, और उसके बाद फिर नॉर्मल वाटर से बिल्कुल क्लीन कर देंगे, बिल्कुल क्लीन कर देंगे। और उसके बाद इसमें भी कोई ड्रायर वगैरह नहीं लगाएंगे, नॉर्मल ही बालों को जो है सूखने देंगे। तो आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे कि तरीका बहुत इजी है, बस नाम अलग अलग है, तो इसलिए क्लाइंट्स आप लोग जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, अगर आपको और कुछ भी पूछना है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, अपने साथियों को व्हाट्सएप पे। और ये देखिए कितना अच्छा सा बाल स्ट्रेट हो गया है, और एक मैंने जो स्मूथनिंग की थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये तो इनका स्ट्रेट कितना बढ़िया हो गया, बहुत ज़्यादा कर लेता, बस मैं नीचे से थोड़ा सा कट करूँगी इनका बाल, अगर ये कट कराना है, क्योंकि नीचे का थोड़ा सा पूछ सा लग रहा है, वो कट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा आ जाएगा।
तो मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा, और आप मुझको फेसबुक में सीमा जेटली मेरा पेज है उस पर, और इंस्टा पे और लाइकी पे आप मेरे को देख सकते हो और फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।